ममता से असंतुष्ट मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ा एचआरबीसी चेयरमैन का पद। जी हां, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी संग्राम तेज हो चुका है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। दरअसल इस समय में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बगावती तेवर अख्तियार कर चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले अधिकारी के इन बगावती तेवरों ने ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा दी है। ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगले साल मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद इस पद पर पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को तुरंत नियुक्त कर दिया गया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और उनके मंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच सोमवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। इस संबंध में जल्द ही और बैठकें होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि काफी देर हो चुकी है। शुभेंदु ने पार्टी से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। वह राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री शुभेंदु अधिकारी काफी समय से नाराज चल रहे हैं। वह पार्टी के बैनर के बिना ही अपने इलाके में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे।